हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग स्टाइल ऑफ पूनम। सो ये है चिली का सातपड़ा व्लॉग। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं चिली का लेक देखने के लिए, जो कि एशिया का सबसे बड़ा लेक है। तो यहाँ पे हम सुबह निकले थे 6 बजे, एंड सुबह सुबह इतना ठंड लग रहा था ना, थोड़ा फॉग हुआ था रास्ता। फिर यहाँ पे अभी देखिए थोड़ा थोड़ा सा धूप भी निकाला है धीरे धीरे से। बीच में हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, इडली सांभर वगैरह। हम जहाँ पे गए थे ना सातपड़ा, वो ना चिलिका का एक कॉर्नर है। पर अगर आपको पूरा चिलिका लेक घूमना है ना तो बहुत दिन लग जाएगा, ना चिलिका लेक बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ ना दूर में चिलिका लेक दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा। एंड यहाँ पे हम पहुँच गए। यहाँ पे अभी हम जाएंगे बोट से डॉल्फिन पॉइंट तक, वहाँ पे हमें डॉल्फिन भी दिखेंगे। तो चलते हैं। देखिए यहाँ पे कितने सारे बोट्स हैं। यहाँ इसमें से हम पूरा जितने लोग गए थे हमारा एक बोट में हम बैठ के गए। तो यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे सी ईगल्स भी दिखते हैं। वो जो सी ईगल्स होते हैं ना, उन्हें चिप्स खाना बहुत ही अच्छा लगता है। चिप्स कुरकुरे वगैरह जो भी फेंको वो जल्दी से उड़ के चला जाता है। देखिए मैंने चिप्स फेंका एंड यहाँ पे आ गए ये सारे। यहाँ पे सीगल दिखने के बाद हम पहुँच गए यहाँ पे डॉल्फिन पॉइंट। यहाँ पे हमें डॉल्फिन भी दिखेंगे। तो ये देखिए डॉल्फिन दिख रहा है, वहाँ पे 3 डॉल्फिन घूम रहे थे। एक एक बार ना वो पूरा बड़ा बड़ा जम मारते हैं, पर अभी पता नहीं, थोड़ा थोड़ा सा बस निकले बाहर। वो लोग ना वैसे बोट के आवाज़ सुन के भी डर जाते हैं, तो बाहर नहीं निकलते हैं। हमने डॉल्फिन पॉइंट तक देख ही लिया, एंड फिर से हम निकल पड़े यहाँ पे बीच तक। चिलिका ये जो लेक है ना, ये एक बीच के साथ भी जाके मिला हुआ है, तो वही वाला बीच तक हम जा रहे हैं अभी।
बोट में तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। एंड यहाँ पे हम और थोड़ी देर के बाद पहुँच जाएंगे, वहाँ पे दिख भी रहा है दूर में आइलैंड दिख रहा है। एंड फाइनली हम 1 आवर के बाद यहाँ पे पहुँच गए। बीच में वहाँ पे ना बोट में हमें वहाँ से यहाँ तक आने में 1 आवर लग गया। अभी ये यहाँ पे भी हम बीच में नहीं पहुँचे, यहाँ से हमें एक चल के जाना है। फिर आगे जाने पर वो जो जंगल दिख रहा है ना पीछे, वही जंगल के बीच से हमें चल के जाना है। वहाँ फिर उस तरफ, जंगल के उस तरफ आ जाएगा बीच। वो प्लेस भी बहुत अच्छा था एंड ट्रीज वगैरह भी बहुत अच्छे थे, बस थोड़ा सा डर्टी हुआ था वो प्लेस, क्योंकि ना वहाँ पे बहुत सारे लोग पिकनिक वगैरह करने आते हैं एंड वो सारे डस्ट वगैरह पैकेज वगैरह वो सारे वहीं पे फेंक देते हैं, तो इसलिए वो सारा गंदा होके पड़ा है। पर जितना हम अंदर जाते गए वो पूरा जगह पर अच्छे से क्लीन होता गया, और वहाँ जो बीच था ना वो मेरे को बहुत साफ लगा। ये ट्रीज के लीव्स मुझे बहुत अच्छे लगे, हेयर की तरह बात है। ये देखिए यहाँ पे हम पहुँच गए बीच। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के कैक्टस भी थे, ये देखिए छोटा छोटा फ्लावर की तरह दिख रहा है ये कैक्टस सारे। तो अभी जाते हैं, पहले बीच में मजे करते हैं। तो यहाँ पे बीच में तो हमने बहुत ही मज़ा किया, तो चलते हैं अभी वापस। यहाँ पे देखिए जाते जाते मैंने यहाँ पे लिख दिया हैप्पी न्यू ईयर 2023। ओके सो यहाँ पे हम बीच में तो बहुत ही मज़ा आया, बस आधा घंटा ही रहने को मिला। वहाँ पे बोट से फिर से वापस जाना है जहाँ से आए थे, तो चलते हैं। इसके बाद हम लंच करेंगे। तो यहाँ से जाने के बाद हम लोगों ने लंच किया, लंच में वही फीस चिकन वगैरह खाया। एंड आपको अगर कुछ फैक्ट जानना है चिल्का लेक के बारे में तो ये सारे देख लीजिए। तो यहाँ से हम फिर वापस जा रहे थे, जाने से पहले हमने एक म्यूजियम घूमा छोटा सा एंड एक पार्क भी घूमा छोटा सा, वो आपको मिनी ब्लॉग में मिल जाएगा। एंड हाँ, ये इस ईयर का लास्ट वीडियो है, तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। बाय बाय।